Right now. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعياه فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت استمتعت بها فيها عوج. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के मुतालिक खैर और हुस्न सुलूक की वसीयत कबूल करो, मैं तुम्हें उनके साथ अच्छा सुलूक करने की ताकीद करता हूँ, क्योंकि वो असली से पैदा की गई है, यानी उनकी फितरत में कजी और टेढ़ापन मिजाज के अंदर कुछ उनके अंदर नज़ाकत है, जिसकी वजह से वो जज्बाती हो जाती हैं, ये उनकी फितरत में शामिल है। तो अगर तुम उससे नफ़ा उठाना चाहते हो तो उसी टेढ़ेपन के साथ नफ़ा उठा सकते हो, और अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे बिल्कुल तो वो टूट जाएगी, और उसका टूटना ये है कि तलाक वाक़ हो जाएगी, वो अकस उठा तलाक हुआ। तो मियां बीवी का ताल्लुक ये बहुत ही अहम ताल्लुक होता है ज़िंदगी के अंदर। कुरान शरीफ में भी इस सिलसिले में बहुत हिदायत दी गई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी निशानी बयान फरमाया कि ओमिन आयाती खलक लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन वरहमा, कि अल्लाह की निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून महसूस करो, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फरमा दी। इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की रहमत की। और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि हुन लिबासुल लहुन वअंतुम लिबासुल लहुन, के वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। लिबास से जो तशबीह दी है मियां बीवी को आपस में, इसमें भी अगर गौर किया जाए तो बहुत मानी इसमें निकलते हैं कि लिबास से इंसान को कैसा ताल्लुक होता है। लिबास बिल्कुल करीब होता है, तो ऐसे ही मियां बीवी के आपस में कुर्बत होना चाहिए। लिबास पर्दापोशी करता है, छुपाता है, अयूब को छुपाता है, इसी तरीके से मियां बीवी को एक दूसरे के लिए पर्दा डालना चाहिए, अयूब को छुपाना चाहिए। लिबास सर्दी गर्मी से हिफाजत के काम आता है, तो इसी तरीके से मियां बीवी को एक दूसरे के लिए तहफ्फुज़ फराहम करना चाहिए। लिबास जीनत भी बनता है, खूबसूरती पैदा करता है, तो मियां बीवी को एक दूसरे के लिए बाइस है हुस्न और बाइस है कशिश होना चाहिए, कि आदमी की तकमील होती हो अपने जोड़े से। तो ये सब कुछ चीज़ें हासिल होती हैं। कुरान ने ये जो तशबीह दी है बहुत ही गौर करने के काबिल है कि हुन लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया वाशिरूहुन्न बिल मारूफ, कि अपनी औरतों के साथ
अच्छे तरीके से निभा करो, वाशिहुन्न बिलमारूफ, अच्छे तरीके से मुनासिब तरीके से निभा करो। यहाँ तक फरमा दिया फे इनकरिहतुमूहुन्न फअसा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, कि अगर तुम्हें नागवार भी हो अपनी बीवियाँ खुदा ना खास्ता, तो नागवारी के बावजूद तो उनके साथ अच्छी तरीके से निभा करने की कोशिश करो, नागवारी के बावजूद। ये बहुत ही अहम हिदायत दी है कि कभी कभी इंसान को दिन के एतबार से मैलान नहीं होता है अल्लाह ताला, लेकिन उसमें भी फरमा रहा है कि अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है औरत से तो भी करते रहो। हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे लिए खैर अता फरमा दे, खैरन कसीरा, बहुत खैर, खैर नहीं बल्कि बहुत खैर अता फरमा दे। तो इसलिए तुमसे निभा करो, हो सकता है इंशाल्लाह आगे चल करके वो तुम्हें बहुत फ़ायदा पहुँचाए, उससे अच्छी औलाद पैदा होने वाली हो। तो फौरन फैसला नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी खूबियों को उभरने का मौका देना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि ला यफ़रक मुमिनुन मुमिनतन इनकरिहा मिन्हा खुल्कन रज़िया मिन्हा आखर, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत ना करे, एक आदत उसकी नागवार है तो दूसरी आदत उसकी अच्छी भी उसको मिल जाएगी जिससे उसको खुशी होगी और उसको फ़ायदा पहुँचेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना आप देखिए कि आपने अपनी बीवियों के साथ किस तरीके से हुस्न सुलूक फरमाया। मा ज़रा बी अदी खादिमन वलम रातन, हदीस में आता आपने किसी खादिम पर हाथ नहीं उठाया, किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया आज तक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेअदबी तक को गवारा कर लेते थे, बेअदबी यानी आवाज़ वो सख्त कर लेती आवाज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गवारा कर लेते, दूसरे लोग देखते तो वो कहते कि अच्छा तुम आवाज़ बुलंद कर देती हो, कि हम तो हुजूर से मुतालबा कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वरना तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अच्छा मेरे सामने ऐसी आवाज़ बुलंद करेगी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़िया है, उसमें वो उनकी बीवी कुछ उनसे बहस करने लगी तो हज़रत उमर ने कहा मुझसे बहस कर रही हो तुम, तो कहने लगी कि तुम क्यों इसको नागवार समझ लो और इसको बड़ा समझ लो, तुम्हारी बेटी तो हुजूर से कर लेती है बहस, तो उनकी बेटी हुजूर के निकाह में थी। तो फिर वो फौरन गए और बहुत डांटा उनको कि तुम बहस करती हो हुजूर से। तो बहरहाल इस तरह के कई वाक़यात पेश आए हैं। और अरबी की मिसाल है कि यग़लिबन अल-किराम व यग़लिबुहुन अल-लिआम, के जो शरीफ होते हैं वो औरतों के सामने थोड़े नरम पड़ जाते हैं, अरबी में कहा जाता है शोराफा, शरीफ लोग वो औरतों के सामने नरम पड़ जाते हैं, और जो कमीने होते हैं, हदीस नहीं है ये, अरबी में कहावत है, अरबी में मशहूर जुमला है, हदीस नहीं, कि जो शरीफ लोग होते हैं वो औरतों के सामने झुक जाते हैं, दब जाते हैं औरतों से, और कमीने लोग होते हैं तो वो औरतों पर छा जाते हैं, कमीने लोग औरतों पर छा जाते हैं। तो बहरहाल औरतों, और एक हमारे मौलाना है मौलाना अबुल इरफान साहब, वो उनका इंतकाल हो गया, बहुत जीनियस आदमी थे। तो उनकी किसी से बहस हो रही थी तो कहने लगे मौलाना अबुल इरफान साहब तो अपनी बीवी से डरते हैं, तो कहा कि हर शरीफ आदमी डरता है अपनी बीवी से, हर शरीफ आदमी डरता है। बहरहाल बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियायत करते थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मिजाज की रियायत करते थे, छोटे ही पन में आ गई थी तो कहते हैं मैं गुड़िया से खेलती थी, कौन तो अलाबू भी बना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुड़िया से खेलती थी, क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई थी
तो आप उनके पितरी जौब का ख्याल करते थे कि गुड़िया से हुजूर के घर में चलती थी, मेरी सही नहीं आती थी तो हुजूर को देखकर भागती थी, हुजूर कहते थे नहीं नहीं चलो, चलने का कह देते थे हुजूर, तुम चलो आयशा के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला भी कभी उनसे कर लेते थे कि चलो दौड़ते हैं। एक मरतबा आप दौड़े तो हजरत आयशा निकल गई आगे दौड़ में, तो फिर एक सफर में कहा कि फिर दौड़ का मुकाबला होगा, रेस होगी। तो अब के हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा थोड़ी वो फरवा हो गई थी, बदन उनका भारी हो गया था, तो अब के वो पीछे रह गई। तो फरमाया हाजी भी दिल था बराबर हो गए, पहले तुम जीती थी अब के हम जीत गए। तो ऐसे आप अच्छी बातें फरमाते थे। हजरत आयशा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक 11 बीवियों का वाक्य आता है कि 11 बीवियों की कहानी सुनाई हजरत आयशा ने सुनाई और हुजूर ने सुनाई। उसमें इख्तिलाफ रिवायतों में 11 बीवियाँ बैठी तो उन्होंने तज़करा किया कि हम अपने अपने शोहरों की बातें सुनाएं। फिर हुजूर ने उसने ये भी फरमाया कि सबसे अच्छी जो सबसे अच्छा शोहर था ना मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन उसने तलाक दे दी थी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। बड़ा लंबा वाकया है वो। तो अबू जर मैं तुम्हारे लिए अबू जर की तरह से हूँ जैसे उनमें जर के लिए था, लेकिन उसने तलाक दे दी थी, उसी वाकये में तलाक दे दी थी उसने, बहुत अच्छा तो मैं वैसा ही हूँ लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तो तलाक को बहुत आखिरी हरबा माना गया है इस्लाम में, तलाक को पसंद नहीं किया गया है। हमारे यहाँ लोगों के मुंह पर आ जाता है तलाक का लफ्ज फट से, और वो भी कहते हैं तीन तलाक दारे में, तीन तलाक समझते हैं, तीन के बगैर तलाक ही नहीं होती। ये पहुंचाना चाहिए सब जगह, आपको आम करना चाहिए कि तीन तलाकें नहीं देना चाहिए, इस्लाम में हराम है तीन तलाक देना। हालत हैज में तलाक देना हराम है, और तलाक देना भी अच्छा भी नहीं। अगर जरूरत पड़े तो पार्टी की हालत में एक तलाक सिर्फ देना चाहिए, एक तलाक, और ये इस्लाम का भी यही तरीका है और उसमें सहूलत भी है। जब एक तलाक देंगे हैज की हालत में देना भी हराम है, एक तलाक देंगे फिर क्या होगा कि अगर आपके दिल में नदामत हो गई, अफसोस हो गया, तो फिर आप उनसे मिल लेंगे। औरत से रजी होती है वो आमतौर पर जब सिर्फ तलाक का लफ्ज कहते हैं तो फिर वो रुजू करने का हक होगा, वो मिल लेंगे तो फिर वो तलाक वो उससे रुजू हो गया, तीन में से एक खत्म हो गई, लेकिन फिर मियां बीवी बनकर रह सकते हैं। फिर कभी कह दिया एक तलाक कि तुम्हें तलाक दी, तो एक तलाक तलाक दी तब भी एक ही होगी, और रजड़ी का नियत करें तो फिर रुजू कर सकते हैं। तो तीसरी मरतबा में जब कह देगा तलाक दी तब फिर नहीं कर सकते, तो एक ही साथ तीनों का इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह ताला ने अलग अलग मौकों पर गौ इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि फिर उससे निपा हो सके। तो उसमें अगर इद्दत गुजर गई तब भी निकाह हो सकता है डायरेक्ट बगैर किसी शोर दूसरे से निकाह हो गए। तो अगर एक तलाक दी या दो तलाक दी रजड़ी तो फिर निकाह हो सकता है, इद्दत में तो बगैर निकाह के जमा हो सकते हैं। तो ये लोगों को नहीं मालूम होता है डायरेक्ट तीन का लफ्ज लेते हैं, तीन का लफ्ज निकालना चाहिए तलाक में से, यानी ये नहीं समझना चाहिए कि तीन जरूरी है, तीन के बगैर तलाक एक तलाक कहना चाहिए, और यही ये बात सबको सिखाना चाहिए। और औरत के एक और हुकूक की रियायत नहीं की जाती है, खाना पीना तो मानते हैं सब लोग, खिलाना पिलाना हक में से है, कपड़े लत्ते पहना इसमें भी फरमाया आपने जैसा अच्छे से अच्छा उनके साथ निभा करो खाने पीने और कपड़े लत्ते के सिलसिले में। मेहर की अदायगी, मेहर की अदायगी नहीं करते, जुल्म है। मेहर कुरान शरीफ में अल्लाह कि औरतों को उनका मेहर दे दो, जो मेहर है वो फंसाने के लिए नहीं होता। हम लोगों के यहाँ क्या होता है फंसाने के लिए रखते हैं कि ताकि कभी वो रिश्ता ना बिगड़े तो बीच में मेहर का मसला आ जाए कि मेहर देना पड़ेगा, तो फंसाने के लिए नहीं है। आप जिंदगी गुजार रहे हैं तो भी मेहर दे दीजिए, आखिर में बख्शवाते हैं मेहर बख्श दो दूध बख्श दो, तो बख्शवाना क्या होता है, फिलहाल बजे 10 बजे चलनी। तो
देना चाहिए, अदायगी कर देना चाहिए, और हो सके तो पहले ही नहीं कर दे आदमी जब पहली बार औरत आए तो, ताकि बलीग जिम्मा हो जाए, जल्द अज जल्द कर दे जितना भी महर है। तो ये उसका हक है, कर्ज है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Thank you.